चलिए आज हम लोग एक नए श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधोलिखितम श्लोक पठित्वा तदधारित प्रश्नाः विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम् उत्तरं चित्वा लिखत, अर्थात पीछे लिखे हुए श्लोक को पढ़ करके उसके आधार पर आधारित जो विकल्प दत्त है, जो दिए गए विकल्प हैं, उनमें से जो उचित उत्तर है उसे चुन करके हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम श्लोक के अर्थ को जान लें, है ना, तो हमारे लिए बाकी के सवालों को हल करना आसान हो जाएगा। नास्ति विद्या समह चक्षु, समह मतलब होता है के समान। नास्ति न लिखी दो शब्द के योग से बना है, ना जोर अस्ति नास्ति ही। अब क्या है नास्ति, अब बोलिए नौ जोड़ अस्ति क्यों लिखे हैं, आप सबको ना दिख रहा है ना, तो ये क्या है, जब हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे दोष दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं है, नौ है लेकिन कुछ नहीं है, और तो छिपा हुआ है सभी में ना, ठीक है, तो और छिपा है और अस्ति में भी और छिपा है, तो और मिलके बन जाता है आ बन जाता है, ठीक है, तो नौ जोड़ अस्ति इसको तोड़ेंगे तो बनेगा नौ जोड़ अस्ति, ठीक है। नास्ति नहीं है, नास्ति विद्या समझ अचु, यानी कि विद्या के समान कोई भी चक्षु मतलब लोचन नहीं है, नयन नहीं है, है ना, विद्या जो है आपकी आंखों को खोल देता है, अर्थात हमारे आंखों पर जो पर्दा है उस पर्दा को खोलने का काम विद्या करता है। विभिन्न प्रकार के पाखंड वगैरह के चक्कर में जो हम पड़े रहते हैं, लेकिन जब हम विद्या को प्राप्त करते हैं तो सभी से दूर हो जाते हैं, पाखंडों से दूर हो जाते हैं, है ना। नास्ति शक्ति शमः तपः, कोई भी सत्य के समान तप नहीं है, है ना, कहा भी गया है कि क्या है, झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, है ना, सबसे बड़ा जो तप है वह क्या है, सत्य है। नास्ति राग समय दुख, और राग के समय अर्थात आप जब किसी भी कार्य को करते हैं तो क्या, आपको एक टर्म हम बोले थे कल कि किसी भी कार्य को जब आप करते, जुनून एक वर्ड होता है, ठीक है, तो जुनून के सामने कोई भी दुख नहीं होता है, समझ गए, जब आपके ऊपर किसी भी चीज का जुनून सवार होता है तो उस वक्त आप दुखों को भूल जाते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आप अपनी विपरीत जो परिस्थितियां हैं, जो विषम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को भूल जाते हैं और बेहतर कल को सवारने के लिए आप लग जाते हैं ना। नास्ति त्याग शमः सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं होता है, कभी त्याग करके देखें बड़ा ही सुख की प्राप्ति भी होगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं दूसरा जो लाइन लिखा गया है, न तथा न तथा शीतल शरीरम न चंदन रसो, देखिए चंदन रसो न शीतल छाया प्रहलाद यदि चारुसह यथा मधुर भासिनी वाणी, क्या लिखा गया है, ना तथा शीतल सलीलम, ना ही ठंडी बहने वाली, सलील का मतलब होता है हवा होता है और शीतल मतलब ठंडी, ना ही ठंडी वायु, ना चंदन रसो, ना शीतलम छाया, ना ही चंदन का जो हम लेप लगा लेते हैं, ना वह चंदन का रस, ना ही शीतल छाया, प्रहलादयन्ति च पुरुषों को आनंद कौन नहीं देता है, ना ही ठंडी ठंडी बहने वाली हवा, ना ही चंदन का रस, ना ही शीतल छाया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है मनुष्य को क्या नहीं देती है, आनंद नहीं देती है। तो भैया आनंद मिलता कहाँ है, यथा मधुर भाषिणी वाणी, ये जो आपको आनंदानुभूति होती है कहाँ से होती है, मधुर भाषा को सुन करके, है ना, कहा गया है ना कि वचन किम दरिद्रता, जो हमें वचन बोलना चाहिए ऐसे वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, और हमें जो वाणी बोलनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की लाइन्स को देखते हैं, अनुद्वेग करह वाक्य, अनुद्वेग करह वाक्य मतलब अनुद्वेग का मतलब क्या होता है, अनु और द्वेग या दो शब्द मिलकर के बना हुआ है। अच्छा एक वर्ड आपने सुना है द्वेष, सुना है तो द्वेष वर्ड सुने हिंदी में ना, तो द्वेष का मतलब ईर्ष्या कह सकते हैं, जलन कह सकते हैं, तो द्वेष और ईर्ष्या से वशीभूत जो वाणी होगी वो पीड़ादायक होगी कि नहीं होगी, अवश्य होगी। तो अनुद्वेग करह वाक्य,
यहाँ अनु जब लग गया तो इसका अर्थ हो जाता है नहीं, यानी कि जो पीड़ा न दे। अनुदेव कर वाक्य सत्यम प्रिय हितम च यत श्व, अभी यहाँ से दूसरा खत्म हो गया, तीसरा शुरू हो रहा है। अनुदेव कर वाक्य सत्य प्रिय हितम च यत स्वाध्यायाभ्याषणम च वांगमय तप उच्चते। अब देखिए सब यहाँ पे उच्च तप, यानी कि ऊंचा मतलब ऊंचा तप कौन है, तो कौन तप है भाई सबसे ऊंचा तप? इसके लिए तीन कंडीशन है। पहला चीज क्या है, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे को क्या ना दे, पीड़ा ना दे, यानी कि अनुद्वेगकारी वाक्य होना चाहिए। आपका जो वाक्य हो वो कैसा हो, अनुद्वेगकारी वाक्य हो। सत्यम प्रियहित प्रिय हितम च, सत्य बोले और प्रिय हित, प्रिय का मतलब आपका जो प्रिय है समझ रहे ना डियर वन, तो उसके हित में बोलना है, ठीक है। सत्यम प्रिय हितम च यत श्व अध्यायाभ्यासनम च, और साथ ही साथ श्व अध्याय का आपको अभ्यास करना है। किसी भी सेगमेंट में आप चले जाइए, अगर आप स्व अध्याय नहीं करते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। सर आपको पढ़ाते हैं बताते हैं जितना चीज, अगर उसको फिर से जाके नहीं पढ़िएगा नहीं रिपीट कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, होगा क्या नहीं ना होगा। तो स्व अध्याय अभ्याषणम च वांगमय, वांगमय मतलब क्या है, वाणी है। तप उच्चते यानी स्व अध्याय का आपको अभ्यास करना है और आपकी वाणी जो होनी चाहिए वह सम्यक हो, ये चीज जो है उच्च तप की श्रेणी में आता है। वैसे भी जो आप अध्ययन कर रहे हैं ये तप ही तो है, ये साधना ही तो है ना, और आप अपने आप में एक साधक है, और एक साधक जो साधना करता है वह साधना तभी परिपूर्ण होगा जब आप मन से उसमें तल्लीन होंगे, है ना। चलिए तो अब हम लोग प्रश्नों की रुख करते हैं। पहला हमारा जो है लिखा गया निर्देश, समुचितम उत्तरम चुनुत, यानी कि समुचित मतलब उचित उत्तरम उत्तर को चुनुत मतलब चुने, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल है, केन समह तपह नास्ति, किसके समान कोई तप नहीं है। आपने पढ़ा था ना, पहला पढ़िएगा, नास्ति शब्द समह तप, सत्य के समान कोई तप नहीं है। तो जवाब क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। किसने हल किया, आपने हल किया ना, आपने ना हल किया। तो क्या सवाल है, केन समह तप नास्ति, किसके समान कोई तप नहीं है, किसके समान कोई तप नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है। अब दूसरे सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं, अब देखिए दूसरा जो हमारा सवाल है, अनुद्वेग कर्म इति अत्र दश्य विशेषणम अस्ति। देखिए शब्द को समझे, सवाल को समझे, अनुद्वेग कर्म का अर्थ बता दिए जो पीड़ा ना दे, है ना। इति अत्र कस्य विशेषणम अस्ति, ये जो अनुद्वेग कर्म शब्द है इसका यहाँ पे कौन विशेषण है, विशेषण जो होता है संज्ञा श्रवण की विशेषता बताएगा, है ना। तो देखिए ध्यान रखिए, प्रायः जो होता है जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, तो कभी कभी क्या होता है, लड़का के पहले भी हम दे दिए, है ना, है ना। और कभी कभी क्या होता है, वह आदमी बुरा है, वह आदमी बुरा है, तो आदमी के बाद है, तो सामान्यतः क्या होता है, जो विशेषण होगा या तो पहले या तो बाद मिलेगा संज्ञा के, समझ गए बात को, क्लियर है। अब हम देखते हैं अनुद्वेग कर्म इति अत्र कस्य विशेषणम् अस्ति, हमको कुछ पढ़ना नहीं नीचे, पर हम देखेंगे वर्ड कहाँ पे लिखा है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। तो यहाँ पे देखिए इस, मैंने आपको बोला जो विशेषण है या तो जो शब्द दिया रहे उसके पहले या तो बाद में होगा, ये तो क्वेश्चन में है, इसके पहले तो कोई शब्द नहीं है, तो अब क्या है भाई, वाक्य। ऐसे भी मैंने आपको जो अर्थ बताया था, यानी कि जो पीड़ा नहीं दे, देने वाला वाक्य बोला था ना, तो पीड़ा नहीं देने वाला ये विशेषता है ना, किसकी, ये वाक्य के बारे में बता रहे, वाक्य की विशेषता बता रहे, तो ये भी वाक्य जो हो गया, वाक्य लिखा है यहाँ ऑप्शन में ना, वाक्य ये हमारा विशेषण है, समझ गए, विशेषण हुआ कि नहीं, मतलब अनुद्वेगकरण इति अत्र कस्य विशेषणम्, किसकी विशेषण है ये, वाक्य के लिए विशेषण है, वाक्य का विशेषता कैसा बोल रहे हैं, कैसा वाक्य, जो पीड़ा ना दे, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, आगे बढ़े।
अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर पदे, ध्यान से सुने, कश्मीर पदे, पद मतलब शब्द, कश्मीर पद यानी किस शब्द में दीर्घ संधि अस्ति, किसमें दीर्घ संधि है। तो देखिए जैसे क्या होता है, अ प्लस अ मिलके बनेगा आ, आ प्लस आ मिलके बनेगा आ, आ प्लस अ मिलके बनेगा आ, आ प्लस अ मिलके बनेगा आ, ठीक है। यानी हर केस में क्या होगा, बड़ा वाला बनेगा, ठीक है। जैसे ये हर सही है, हर सही प्लस हर सही बराबर दीर्घही, दीर्घही प्लस हर सही बराबर दीर्घही, दीर्घही प्लस दीर्घही बराबर दीर्घही। यानी कि हर केस में हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि में दीर्घ वाला, जैसे हर सही तो कमजोर है, दीर्घही दीर्घ है ना, तो दीर्घही वाला बनेगा। जैसे हर्षहू प्लस हर्षहू बराबर दीर्घहू, दीर्घहू प्लस दीर्घहू बराबर दीर्घहू, दीर्घहू प्लस हर्षहू बराबर दीर्घहू, अब हर्षहू प्लस दीर्घहू बराबर दीर्घहू, ठीक है। तो हर केस में हमारा दीर्घ वाला ही बनेगा, ठीक है। तो दीर्घ संधि में हमें यही देखना है। तो ये चीज पता करने के लिए हमें क्या है, जो शब्द दिया गया है उसका आपको विच्छेद करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम तोड़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे एक शब्द लिखा है नास्ति, तो देखिए ना जरूर अस्ति, नास्ति बनता है, इसका संधि विच्छेद कर दे तो क्या बनेगा, ना जरूर अस्ति। यानी कि यहाँ अ है, यहाँ पे क्या है अ है, तो और मिलकर क्या बनना चाहिए आ, तो ना जरूर अस्ति बराबर क्या बना, नास्ति बना है, आकार लगा है नास्ति, है ना। तो दीर्घ संधि क्या हो गया, नास्ति हो गया। अब देखिए चैर चौ, इसको अगर तोड़िएगा तो क्या बनेगा, चौ जोर एव, है ना। तो कहां भैया दीर्घ भैया आपका, मतलब ए, अगर ए है, ए प्लस ए मिलके बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, है ना। अब क्या है, ए प्लस ए मिलकर के आपका क्या होना चाहिए, ए बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो आपका और ए है, तो ये तो भैया इस कॉन्सेप्ट से अलग हो गया, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, वांगमय है, तो वांग जुड़मय हो जाए, इसमें भी ऐसा नहीं आएगा। मधुर भाषिनी, मधुर जोर भाषिनी, है ना, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो मधुर जोड़ भाषणी ऐसे ही अलग हो रहा है। तो यहाँ तो यहाँ समझिए ये भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे नौ जोड़ अस्ति है तब ना नास्ति बना है, यहाँ तो ऑलरेडी इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, नहीं ना। तो ये चीज हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नौ जोड़ अस्ति बराबर नास्ति हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए जो दूसरा हमारा सवाल है वह क्या है, नए तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम किम, नए इसको नए पढ़ते हैं ना, नए तत्पुरुष समास का उदाहरणम किम, इसका उदाहरण कौन है। तो देखिए अब हम ये कैसे पहचानेंगे, तो इसका पहचान है जब नए, यहाँ लिखा है ना नए, तो नए में क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारे व्याकरण के इसको समास मानते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारा समास है, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो पहला पद होगा उसमें नौ लगा हुआ होगा, ठीक है, नौ लगा होगा, और जो दूसरा पद होगा या तो हमारा संज्ञा होगा या तो हमारा विशेषण होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नौ शब्द हमको पहला वाला पोर्शन में किसमें मिलता है, शीतल सलीलम, तो भाई इसमें तो कहीं हमें नौ का मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अनु अनुद्वेग करम, नौ यहाँ मिल गया आपको, अनुद्वेग करम, देखिए यहाँ अनु, यहाँ नौ आपको मिल गया, और यहाँ आपको देखिए द्वेग करम पीड़ा देने वाला, है ना, याद आया पहला वाला जो सवाल हमने हल किया था, विशेषता बता रहे थे ना, तो ये हो गया, यह जो आपका अनुद्वेग करम है ये आपका हो गया नए समास हो गया, समझ गए, क्लियर है। और बाकी कहीं आपको नौ मिल रहा है पहला पद में, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, इसमें मिला आपको, इसमें मिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर हो जाएगा। चलिए आगे क्यों हम लोगों को करें, चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल होगा क्या है, मनुष्य, मनुष्य की प्रहलाद यति, मनुष्य को क्या आनंद देता है, वो कौन सा चीज है जो मनुष्य को आनंद देता है, याद कीजिएगा प्रहलाद यति चौपुरुषम, क्या भाई प्रहलाद यति
पुरुषम क्या लिखा था यथा मधुर भाषिनी वाणी, जो पुरुषों को आनंद देती है, जो आनंद प्रदान करती है पुरुषों को, इन व्यक्तियों को, वह क्या है? मधुर भाषी वाणी, मधुर भाषी वाणी है ना। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या लिखा है, शीतल छाया। ये तो पहले लिखा था कि शीतल छाया से जो है नौ, यानी कहता हूँ नौ तथा शीतल शरीरम, नौ चंदन रसो, ना शीतल छाया, ना ही शीतल मतलब ठंडी बहने वाली हवा, ना चंदन का लेप, कोई भी चीज जो मनुष्य को आनंद नहीं देती है। आनंद कौन सा चीज देती है बाबू? मधुर वाणी। चंदन का रस नहीं देता है, ठंडी बहने वाली वायु भी उन्हें आनंद नहीं देती है, ना ही ठंडी छाया उन्हें आनंद देती है, बल्कि आनंद उन्हें क्या देती है? मधुर वाणी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चार नंबर हो जाएगा, मधुर वाणी। मनुष्य किम बना देती, मनुष्य को क्या आनंद देता है? मधुर वाणी ही। चलिए तो हम लोग आगे क्यों रुख करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वह क्या है? नास्ति, मतलब नौ जड़स्ति बोले थे है ना, तो नास्ति देखते हैं क्या लिखा है। नास्ति विद्या शवचु इति वाक्यस्य समानार्थक वाक्यम भीम, यानी कि विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। ठीक है, विद्या के समान कोई भी नेत्र नहीं है, चक्षु नहीं है, से तात्पर्य हमारा क्या, जब जैसे आप विद्या को अर्जित करते हैं तो जितना भी तरह का आप पाखंड आडंबर वगैरह है, या आपके ऊपर कह सकते हैं जो अंधकार का साया है कह सकते हैं, वह मिट जाता है ना। सबसे बड़ा शास्त्र तो हमारा विद्या ही है। नास्ति विद्या शवचक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं। इति वाक्यस्य, इस वाक्य का समानार्थकम्, समानार्थी वाक्य किम, इसमें से कौन सा वाक्य इसका समान अर्थ देने वाला में देखना है। तो लिखा है हितम मनोहारी जो दुर्लभ वचन, लिखा गया है हितकारी और मन को मनोहारी, मन को हरने वाला जो वचन है वह दुर्लभ है। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, है ना, ये ना पढ़ा था आपने। अब देखिए अपूर्व कूपी कोशोयमः, अब ऐसा जो शब्द है कभी भी किसी कोश में, यानी कि शब्द कोश में नहीं मिला, ऐसा कहीं आपने पढ़ा था क्या? ये सब जो सेंटेंस दिया गया कोई लॉजिक वाला है नहीं ना। सर्वस्य लोचन शास्त्रम, हर जगह जो नयन है ये शास्त्र की भांति है। तो आप जैसे बोलते ना आप खुलना, ज्ञान की प्राप्ति होना, तो भाई आपको आप खुलना से तात्पर्य हमारा क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होना। तो ये जो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, हर जगह जो लोचन है, जो नयन है, ये शास्त्र की भांति है। ठीक है, एक ये दिया गया आगे का भी पेपर देख लेते क्या लिखा है। व्यंत वृद्धि मायती, खर्च बढ़ने से मतलब परेशानी होगी, ऐसा कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। बिल्कुल सर को धन्यवाद, बहुत बेहतरीन बताया सर ने। जैसे कि क्या समझे? समानार्थक शब्द, समानार्थक वाक्य, मैंने ऐसा समानार्थक वक्त इससे मिलता जुलता। नास्ति मतलब नो अस्ति, नहीं है, अस्ति मीन्स है और नो मतलब नहीं, तो नहीं है क्या? विद्या समान, विद्या के समान चक्षु, तो विद्या के समान नेत्र उनका नहीं है, मतलब विद्या के समान दूसरा कोई नहीं चक्षु है, विद्या के समान दूसरा चक्षु कोई नहीं है, समानार्थ। तो सर्वस्य सभी जगह लोचन शास्त्रम, ठीक, सभी जगह जो है शास्त्र क्या करता है? शास्त्र मतलब ज्ञान, शास्त्र मतलब ज्ञान, आँखों का काम करता है, लोचन का काम करता है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी जगह, चाहे खरीदारी करने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, वार्तालाप करने में, सभी जगह ज्ञान बोले तो शास्त्रम आँखों का काम करता है, चक्षु का लोचन का काम करता है। क्लियर है ना? सर ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने देखा था प्रहलाद यति यानी आनंदित, ठीक है, बढ़िया समझ चुके हैं। जो बताना था नहीं बोले वाला गप हो नहीं, प्रसन्नता अप्रसन्नता, ओ मतलब नहीं, क्या खोजना है हमें? ओ नहीं बोले वाला गप,
बताए थे समास में हिंदी में कहेंगे दुश्मन, और दुश्मन मने नहीं छिया दुश्मन समझे। यहाँ देखिए मारिए, आगे बढ़िएगा। आपने देखा दीर्घ संधि, तो दीर्घ में क्या बताया था, बड़ी मात्रा खोजना है। आलो आ दीर्घ ही दुर्गम खोजिए किधर है, बड़ी मात्रा यही है ना दीर्घ। छोटकी तो जानते हैं लघु, और हर्षई हर्षौ क्या है, छोटी मात्रा है नहीं है। ओ हर्षई हर्षौ छोटी मात्रा है कि नहीं है, दो पद लघु गुरु और हर्षई दीर्घ हर्षौ दीर्घौरी ए ऐ ओ ङ और क्या है लघु, आ क्या है गुरु यानी दीर्घ होता है ना। चलिए कहता है दीर्घ संधि नास्ति ना, उच्चारण देखिए क्या करना है ना, इसका उच्चारण कहीं मिल जाए समझ जाइए दीर्घ संधि है, दीर्घ है। बोलिएगा नास्ति ना, बोलिए मैं भाग जाऊंगा। देखिए मिला ना आ मिला यहाँ पर, अच्छा चैब आए हटाइए ना, बांग में मधुर भाषिनी तोड़िएगा, तोड़ने पर यहीं से टूटेगा ना, यहाँ पर आपको आ मिला और पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। पुनः देखिएगा अनुद्वेग कर्म, अनुद्वेग कर्म इति यत्र कस्य विशेषणम् अस्ति, विशेषण पूछ रहा है, एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो जो कैसा कैसी का जवाब देता है। गोड़ी लड़की, कैसी है लड़की गोड़ी, गोड़ी होना उसका विशेषता है। खचड़ा लड़का, कैसा लड़का है खचड़ा। नील गगन, गगन कैसा है साहब नील। काला कुत्ता, कुत्ता कैसा है काला। तो कैसा कैसी का जो जवाब दे दे उसे हम विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए अनुद्वेग कर्म, अनुद्वेग मतलब प्रियस्य सत्यस्य वाक्यस्य हितस्य, क्या लिया गया उत्तर वाक्यस्य। अनुद्वेग कर्म इति अत्य यानी इति अत्र, अत्र मतलब यहाँ पर होता है, अत्र तत्र मने वहाँ सर्वत्र मतलब सभी जगह, कस्य कौन सा विशेषण अस्ति दिया गया है। अनुद्वेग कर्म वाक्यस्य, अनुदेह कर्म वाक्य, मतलब ये जो दिया गया ना यहाँ पे विशेषण कौन सा दिया है अनुदेह कर्म के साथ। अच्छा बताए थे अनुस्वार है, अनुस्वार के साथ आप मोहलंत का प्रयोग कर दीजिए या फिर मोहलंत को हटाइए अनुस्वार दे दीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, यहाँ यहाँ, तो एक ही चीजें होती है ठीक है, ये बातें समझ पाए। अब आगे देखते हैं।